वालेकुम दिस इज़ ए फ्रॉम फ्राम एंड बैरल मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी दरिया के पिस्टल की जो ग्लॉक क्लोन था इसी तरह अभी फायर का एयरमॉक्स डिफेंस का पिस्टल आया है तो इसके बारे में भी मैं आपको ज़रा कुछ बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा पिस्टल है ये भी ग्लॉक क्लोन है लेकिन थोड़ी सी चेंजेस के साथ जिसमें आपको मेटल फ्रेम मिल जाएगा इसका और दूसरी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो मैं इसकी पूरी अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको पूरे इसके एक एक डिटेल्स बताऊंगा पिस्टल के बारे में तो हमारे साथ रहिएगा जी व्यूअर्स तो अब हम एयरमॉक्स डिफेंस का एक्सपायर पिस्टल की अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि बॉक्स के अंदर उन्होंने क्या 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 की चीज़ें दी हुई हैं उसके बाद फिर मैं आपको पिस्टल्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स बताता रहूँगा स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ठीक है अच्छा जी सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि पहले तो इंस्ट्रक्शन और सेफ्टी मैनुअल्स आ गया इनका इसको टोटल इंग्लिश में है और हर चीज़ के बारे में इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और किस तरह इसको लोड करना इसके है इसके सेफ्टी फीचर्स क्या हैं इस टोटली अब अंदर से अगर आप देखें तो नॉट अ डिफरेंस बिटवीन अ ब्लॉक और इसमें आपको कोई इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस कर तो चलें अब हम फिस्टर्स की थोड़ी सी डिटेल्स ले लेते हैं सबसे पहले जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये इस पिस्टल के अंदर एक्स फायर पिस्टल के अंदर क्योंकि इन्होंने दो ग्रिप पैनल्स दिए हुए हैं एक इन्होंने मरून कलर का जैसे रेड कलर मरून में मैं कहूँगा इसको ये दिया हुआ है एक ब्लैक पैनल दिया हुआ है तो मैंने इसको शिफ्ट इसलिए किया हुआ है कि ब्लैक पैनल को हटा के मैंने मैरून लगाया हुआ है ताकि हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दें दो मैगजीन दिए हुए हैं इट्स जस्ट लाइक ग्लॉक बिल्कुल ग्लॉक की तरह फिफ्टीन शॉट के दो मैगजीन दिए हुए हैं इन्होंने और इवन यू कैन रिप्लेस इट विद अ ब्लॉक मैगजीन और ग्लॉक में भी आप ये मैगजीन लगा सकते हैं ईजीली गाकर इसके साथ उन्होंने ये दो क्योंकि ये एम ओ पिस्टल है मॉडुलर का ऑप्टिक सिस्टम है ऑप्टिक रेडी है तो उन्होंने दो मेटल प्लेट्स दी हुई हैं आप इसके साथ ये मेटल प्लेट्स लगा के ये दो साइज़ की दी हुई है और आप इसके साथ ऑप्टिक सिस्टम जब लगाएंगे तो इसके साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं फिर इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इसकी क्लीनिंग किट दी हुई है इसी के अंदर उन्होंने ग्रिप चेंज करने के लिए आपको ये ग्रिप पैनल्स के स्क्रूज वगैरह दिए हुए हैं तो एल की दी हुई है तो आप उसको इसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं ये मैं आपको सब चीज़ें दिखा रहा हूँ और इसी चीज़ को हम जब ये रॉड के साथ लगाएंगे यहाँ पे हम टाइट कर लेंगे और ये हमारा एक ब्रश भी बन जाएगा क्लीनिंग ब्रश भी बन जाएगा जिसके साथ हम इसको पिस्टल को क्लीन करना चाहें तो हम इसको क्लीन कर सकते हैं आइए आपको पिस्टल्स की थोड़ी सी डिटेल्स देता हूँ इसके साथ तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत पिस्टल है ब्लॉक क्लिक लोन है लेकिन थोड़ा सा फर्क है बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आ, जैसे पॉलीमर फ्रेम में ग्लॉक आता है लोअर फ्रेम उसका पॉलीमर का होता है वो उससे जरा सा वो होते हैं कि यार ये प्लास्टिक है ये कुछ ऐसा है थोड़ा सा ये वो बहुत सारे लोग उससे वो नहीं होते यानी कि कहने सेटिस्फाइड नहीं होते तो इसी वजह से इन्होंने इसको मेटल फ्लड में दिया है अब आप देख लें कि मेटल फ्रेम इसका पूरा नीचे का दिया हुआ है उसकी वजह से इसका थोड़ा सा वेट तो हो जाता है लेकिन ये बहुत ही बैलेंस पिस्टल है और इन्होंने फ़ीचर्स भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं तो चलें आइए फीचर्स के बारे में करते हैं बात करते हैं सबसे पहले इसका वेट मैं आपको बता दूं ये अराउंड 750 यानी कि साढ़े सेवन ग्राम का है और इसकी लेंथ बैरल लेंथ जो है फ़ोर इंच की बैरल लेंथ दी हुई है इन्होंने साइड्स इसकी बहुत अच्छी दी हुई हैं फ्लैश फाइबर ऑप्टिक साइड्स हैं जो पीछे की साइड आपकी रियर साइट जो है वो ग्रीन है रेड साइड इन्होंने इसकी रेड दी हुई है ऑप्टिक रेडी मॉड्यूलर ऑप्टिक सिस्टम दिया हुआ है इसके साथ मैंने आपको दिखाई थी बॉक्स में अनबॉक्सिंग करते हुए कि इसके साथ दो प्लेट्स दी हुई हैं जब हम इसके ऊपर कोई भी ऑप्टिक लगाना चाहें जैसे आ, हम पीओटेक्स को वगैरह लगाना लगाना चाहते हैं या हम इसमें होलोसन है वेक्टर है उसके हिसाब से हम कोई भी जो ऑप्टिक लगाना चाहें तो हम इसको इसके ईजीली लगा के प्लेट्स चेंज करते हैं उसके बाद फिर हम उसके ऊपर ऑप्टिक लगाते हैं ये ऑप्टिक रेडी हो जाता है स्लाइड जैसे आप देख रहे हैं ये कट्स दिए हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द टू रिड्यूस द वेट एज वेल और इसको बैलेंस करने के लिए बहुत खूबसूरत वो उन्होंने सिस्टम दिया हुआ है नीचे की साइट आ जाएँ तो उन्होंने नीचे की थारी इन्होंने तीन स्लॉट्स की आ, फुल मेटल है क्योंकि तीन स्लॉट के साथ इन्होंने ये आपको पिकेटनी रेल दी हुई है जिसके हिसाब से आप इसको आ, कोई भी अपना नीचे लेज़र वगैरह लगाना चाहें आप इसको ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरफ आ जाएँ तो ट्रेगर इन्होंने बहुत खूबसूरत ट्रेगर दिया और मुझे इसका ट्रेगर रीसेट बहुत अच्छा लगा जैसे हम आपको मैं आपको दिखाऊं कि जब हम इसको रीसेट करते हैं तो ट्रेगर रीसेट बहुत खूबसूरत रीसेट है और बहुत क्रिप्स है यानी कि बहुत इजीली आप इसको तेज फायर करने जब आप जा रहे हैं तो इसके अंदर आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको कोई इतना ज़्यादा फील नहीं होगा कि इसका ट्रेगर पुल बहुत ज़्यादा है तो आपको इसका कोई ऐसा ट्रेगर का लोड महसूस नहीं होगा इसके ऊपर पिकटनी रेल बहुत अच्छी दी हुई है पिकटनी रेल से मुराद ये होती है कि हमारा हाथ जो होता है ग्रिप जो हमारी हाथ की बहुत इजीली ग्रिप हो जाती है ट्रेगर के अंदर मैं एक बात बताना और भूल गया आपको कि ट्रेगर के अंदर उन्होंने हेडलाइन ट्रेगर सेफ्टी भी दी हुई है जैसे कि आपके ब्लॉक के अंदर होता है कि जब तक आप इसको प्रेस नहीं करेंगे ये फायर नहीं करेगा जब आप इसको डिटेल प्रेस करेंगे यहाँ से तो फिर ये फायर पोजिशन पर आके ये फायर कर देगा साथ में इन्होंने जो आपको ब्लॉक में नहीं मिलता वो आपको उन्होंने दो तीन चीज़ें और दी हुई हैं वो साथ में उन्होंने यहाँ पर इस्ट्राइकर और कॉक इंडिकेटर जिसे कहते हैं आपको वो आपको साथ में दिया हुआ है ये आपको ये इजीली आपको ये इंडिकेट कर देगा कि ये आपका जो फायरिंग पेन है वो इंडिकेट हुई भी है यानी कि वो इंगेज हुई भी है और आपको आ, पहले से आपको वो वॉन कर देगा और उसके बारे में आपको बता देगा फिर आगे की साइड से इन्होंने पीछे की साइड इन्होंने यहाँ पे इन्होंने सीरेशन दी हुई हैं तो आपको इजीली आप जैसे फ्रंट में आजकल हो रहा है कि फ्रंट से आप लोड कर सकते हैं पीछे की साइड से भी आप इसको लोड कर सकते हैं इजीली लोड कर सकते हैं दो इन्होंने आपको ग्रिप पैनल्स दिए हुए हैं एक इन्होंने मैरून कलर का दिया हुआ है एक मैंने मैं आपको बताया था कि इसके अंदर आ, ब्लैक दिया हुआ है टेक डाउन इसका बहुत इजी है अब आप आपको उसको टेक डाउन करना है तो आप इसको इजीली यहाँ पे इसको वो कर दीजिए थोड़ा सा इस स्लाइड करें और इसको नीचे कर दीजिए इट्स जस्ट लाइक ब्लॉक आपका ये आ, 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 स्लाइड आपकी बाहर आ जाएगी और आप अगर जिसे कहना चाहिए कंप्लीट थारो क्लीनिंग करना चाहें तो आप आराम से बैरल की क्लीनिंग कर सकते हैं अंदर के पार्ट्स को भी आप आराम से साफ़ कर सकते हैं वेट के हिसाब से ग्रिप के हिसाब से पिस्टल बहुत खूबसूरत है और मैंने इसके आगे भी रिव्यूज़ वगैरह भी देखे और हमने इसको जो लोग हमसे लेके गए और उन्होंने बहुत इसकी तारीफ करी और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत ही बैलेंस पिस्टल है और बहुत एक्यूरेट पिस्टल है तो इसी वजह से मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो उन्होंने कट्स दिए हुए हैं ये बैलेंस करने के लिए दिए हुए हैं और वेट आके थोड़ा सा बैलेंस हो जाए क्योंकि मेटल फ्रेम दिया हुआ है तो इसके बाद से आपको पिस्टल बिल्कुल आपका हाथ में ऐसा लगेगा जिससे क्योंकि डप टेल अच्छी है तो आपकी ग्रिप बहुत इजी रहेगी और आपका पिस्टल नीचे की साइड झुकेगा नहीं वेट की वजह से बहुत खूबसूरत पिस्टल है और इस आगे की साइड भी इन्होंने यहाँ पे भी सीरीशनस दी हुई हैं इधर भी सीरीशनस दी हुई हैं कोई चीज़ छोड़ी नहीं है टर्किश ने आपको पता है कि टर्किश आजकल बहुत अच्छे पिस्टल बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त पिस्टल बना रहे हैं मैंने आपको दरिया का पिस्टल भी बताया था और दूसरे पिस्टल भी बताए थे तो बहुत यानी कि फेबलेस आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि बहुत आगे जा रहे हैं और बहुत खूबसूरत पिस्टल है और इसको अगर आप देखना चाहें तो आप देख देख सकते हैं कहीं पे भी जा सकते हैं देख लें पिस्टल के बारे में आप अगर चेक करना चाहें सिस्टम डिफेंस यानी कि मैं आपको बताऊं कि एयरमॉक्स डिफेंस का ये पिस्टल जो एक्सफायर है ये अपने बेशक नया है लेकिन अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है अपने बैलेंस वेट की वजह से और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बाकी और कोई भी डिटेल्स हो कोई भी आपको बार पिस्टल के बारे में मालूम करनी हो कुछ भी वो करना हो तो हमारे आपको यूट्यूब चैनल पर या हमारे आप इसमें इंस्टाग्राम और इस पर आके आप मालूम कर सकते हैं आपको नंबर तो साथ साथ मिल ही रहा है तो इमाद भाई हाजिर हैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अपना बहुत ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़